हम लोग बोलते हैं कि एवरी ड्रॉप मेक इट एन ओशन. तो हालांकि हम लोग 30 साल से काम कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम ही होता है. तो योगदान तो पता नहीं, वो तो भगवान जाने, बच्चे जाने. नहीं, ये एके मुंशी योजना यानी अति लक्ष्मी कन्हैयालाल मुंशी योजना, ये जो भारतीय विद्या भवन के कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी थे, उनकी धर्मपत्नी के नाम से उनकी बेटी, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ सरलाबेन शेठ, हु वॉज फर्स्ट लेडी सॉलिसिटर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये एके लक्ष्मी योजना की स्थापना की. तो वो मुंशी योजना यानी प्लान, तो उन्होंने मेडिकल यानी जनरल पब्लिक के लिए दवाखाना शुरू किया, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस देर वॉज नो मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, ओनली द मैन यूज टू गेट द ट्रीटमेंट. तो पहले मेडिकल चालू किया, फिर काउंसलिंग शुरू किया, फिर वो जज थी और तभी उन्होंने देखा कि ये बच्चे लोगों को और जो डेलिक्वेंट चिल्ड्रन है उनके उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है. तो उन्होंने उनके लिए स्पेशल चिल्ड्रन के लिए मेंटली जेटी शेठ मंदबुद्धि विकास केंद्र यानी स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज शुरू किया. तो उसके अंदर अर्ली इंटरवेंशन यानी 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों को सबसे पहले पता ही चले डॉक्टर को या माँ बाप को यहाँ प्रॉब्लम है, कोई तो भी अलग सा है, तो तुरंत स्कूल लाना चाहिए. उसकी वजह से उनका डिटोरिएशन कम हो जाता है या बिल्कुल नष्ट भी हो जाता है. तो वही डेवलपमेंट का एरिया होता है 0 से 6 ईयर्स में. तो सबसे पहले हमारे यहाँ अर्ली इंटरवेंशन है, उसके बाद 6 to 18 ईयर्स के लिए स्कूल होता है. जैसे नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे क्लासरूम्स होते हैं, लेकिन हर एक बच्चे को एक 1-to-1 टीचर होता है. एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 बच्चे होते हैं और उसके लिए उनको हर एक बच्चा अलग सीखता है. एक एक क्लास में वो 3-3, 4-4 साल रहते हैं, क्योंकि जब ही जूनियर में रहते हैं तभी उनको पेंसिल से पकड़ने का सिखाना पड़ता है. वो सेरेब्रल पाल्सी होते हैं या कोई आई हैंड माइंड मोटर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है, वो सारा टीचर अलग अलग बच्चों को अलग अलग करते हैं. उसके बाद अगर वो 18 साल के हो जाए तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है कि उनको आगे पढ़ाया जाए या वो उनको कहाँ रखा जाए, तो वापस पहले के ज़माने में भेज देते थे घर पे, फिर वो लोग विलेज चले जाते थे, वापस वो रास्ते पे आ जाते थे. बहुत सारे हमारे बच्चे, हम लोग खुद रास्ते में उनके पीछे पीछे जाके उनका घर ढूंढ के उनके माँ बाप को समझा के रोज़ सुबह स्कूल में ला के शाम को भेजना, नहला धुलाने का, कपड़े बाल उनके लिए सही करना, वो सब हम लोग करते थे. अभी जाके वो 18 साल के बाद में उनको वोकेशनल ट्रेनिंग यानी वो उनको जो सिखाया जाएगा वीविंग या फैंसी वर्क या स्विंग, जो उनको ज़िंदगी में काम लगे और वो उसके इनकम जनरेशन के लिए काम लगे. ये इनकम जनरेशन के काम के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कंसर्न इंडिया फाउंडेशन जो है वो हमको 12-14 साल से मदद कर रहे हैं. बेनिफिट तो लाखों लोगों को मिला है, क्योंकि हम लोग 59 ईयर्स हुए. अभी 59 ईयर्स में हर एक मेडिकल सेंटर में भी बोलिए तो कम से कम 15 से 2 हज़ार तो लोग ले ही लेते हैं. तो इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों को सेवा मिलती है, जो भी दवाखाना है या जो भी एक एक स्पेशलिस्ट भी है, तो उनको मिनिमम पॉसिबल यानी नॉमिनली बोलिए वो फीस लेते हैं या नहीं भी लेते हैं. उसके लिए तो लाखों लोगों ने लिया है. मेंटली चैलेंज भी आज 40 साल से तो है ही, तो उसके लिए इतने सारे लोगों को यानी बच्चों को तो फ़ायदा हुआ, वो बात अलग है, उनके फैमिलीज़ को हुआ, क्योंकि वो घर में से जाके वहाँ रख सकते हैं तो वो जाके काम कर सकते हैं या हैप्पीली घर में सो सकते हैं, पूरे फैमिली में घर में शांति हो जाती है. और उसके बाद में सोसाइटी को बहुत होता है, क्योंकि पहले तो उनको मस्ती कर मारते थे, ये करते थे और वो चिल्लाते थे बिकॉज दे वर नॉट ट्रीटेड वेल. अभी क्या होता है, ट्रीटेड वेल है तो वो लोग भी जाके काम करते हैं, हम लोग सिखाते हैं हर चीज़, वो लोग करते हैं घर में जाके, घर में काम करते हैं. और भाभी वगैरह काम पे गई हो तो उन घर का खाना पीना भी आधा बना देते हैं. नहीं, एके मुंशी योजना का ये एक वृक्ष है, वो एक ही जगह पे ऐसे अभी बम्बई में है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से जो लोग आते हैं, एनजीओज भी है, वो सारे हमारे यहाँ आके सीख के जाते हैं, कितना वीडियोस निकाल के हमको क्या करना चाहिए, वो हमारे से जान के फिर आगे बनाते हैं.
तो उसकी वजह से बहुत सारे एनजीओ को फ़ायदा मिलता है और बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे कॉलेजों से बच्चे लड़के यानी स्टूडेंट्स आते हैं, उनको सीखना है आगे कि कैसे करना चाहिए, वो काउंसलिंग भी सीखते हैं या नॉर्मल लाइफ में भी कैसे एक्सेप्ट करना, तो वो भी सीखते हैं, तो सोसाइटी को ओवरऑल फ़ायदा होता है, आके हर एक जन आके ट्रेनिंग लेते हैं हमारे से। स्कूल के लिए अलग काउंसलर होते हैं, उनको क्लिनिकल काउंसलर भी चाहिए, उनको ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट ये सारे चाहिए, उनको दूसरे काउंसलर्स होते हैं जो नॉर्मल काउंसलिंग होना ज़रूरी है, उनके माँ बाप को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैसे ट्रीट करना है ये बच्चों को, और उसकी वजह से वो इतने शांत हो जाते हैं। घर में से जब ये आते हैं तभी बहुत सारा हमारा डेली रिपोर्ट होता है, सुबह आए तो कैसे हालत में थे, वो कितने गुस्सा थे, कभी कभी उनको मार लगा हुआ होता है, कभी कभी कुछ होता है, हम लोग देखते हैं और फिर बोलते हैं टीचर्स उनको, फिर उनको समझाते हैं ये बच्चों को अगर आपने ऐसा किया तो नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगा, फिर उनको काउंसलिंग करके फिर ज़्यादा घर में शांति हो जाती है। मैं एक मुंशी योजना को के साथ लगभग 15 से 20 साल से जुड़ा हूँ, मैं वहाँ का विधायक था तब से और आज तक, मैं हर एक कार्यक्रम में, और वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल है, इसलिए मैं और भी अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि ये जो काम है ऐसा काम कोई कर नहीं सकता। अपने घर में भी इफ़ यू गॉट वन चाइल्ड हु इज मेंटली रिटार्डेड इट्स अ बिग वरी, बट दिस स्कूल एंड द स्टाफ स्पेशली भारती बहन एंड अजीत भाई एंड अदर्स दे टेक केयर ऑफ 300 to 400 चिल्ड्रन हु आर सच मेंटली रिटार्डेड, इजंट इट अमेजिंग। अपने घर में एक लड़का भी हो तो हमको उसको संभाल नहीं पाएंगे, मगर ये 300 साढ़े 300 कम से कम वो माँ बाप को संतोष तो होता है कि मेरा बच्चा स्कूल गया, वह 2-3 घंटा उसको चेंज मिलता है, पेरेंट्स को चेंज मिलता है, और ये ऐसा नेक काम, ये ईश्वरीय काम करते हैं, इससे मैं भी अपने आप को पूरा उनके साथ रहता हूँ। मुझे याद है मैं विधायक था, पहला कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर मैंने स्कूल में दिए थे, और वो स्कूल में जो आज देखो जूही चावला जुड़ी है, बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, क्यों? क्योंकि इनका काम देखकर ये बहुत आनंदित होते हैं और प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पर आके अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ। ये इनका टाइटल है जोश, तो मैं तो सब चीज़ों में हाउ इज़ द जोश इज एक्सलेंट, सो दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज 59 ईयर इस संस्था को तो हुए, लास्ट वीक की मैं संडे को इन्होंने एक मेडिकल सेंटर खोला है वहाँ पर, व्हाट यू कॉल मेडिकल सेंटर खोला है प्रार्थना समाज पर, और वहाँ भी मैं था। सरलाबेन जो पहली उनकी ट्रस्टी है, उन्होंने ये जो एक मुंशी योजना करी है, और आज उनका ग्रैंड सन वकील एडवोकेट मुंशी भी आए हैं, सो दिस इज़ समथिंग यूनिक हैपनिंग इन द सिटी ऑफ मुंबई दैट यू कैनॉट गेट सच एन इंस्टीट्यूशन वर्किंग सेल्फलेसली फॉर द डाउन ट्रोडन, द रिटार्डेड एंड स्पेशली द मेंटली रिटार्डेड। बाकी एनजीओ को यही कहूँगा कि आज देश में अनेक प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम सब ने अपना योग स्वच्छता में, मैं खुद चौकीदार बन सकता हूँ अपने बिल्डिंग का, अपने घर का, इसी तरह से समाज में जो कमियाँ हैं उसके बारे में भी समाज ने, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट की अपनी आप रिस्ट्रिक्शन है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ, क्योंकि हर एक एरिया में आज हिंदुस्तान में इस तरह के बच्चे होंगे, तो उसकी इस स्कूल को देखकर अगर काम करेंगे तो सचमुच में अपना एक देश बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। कोई 16-17 साल पहले भारती बहन मुझे फ़ोन करती थी कि मुझसे ज़रा एक मीटिंग करनी है, बस 10 मिनट लगेंगे, मैं बड़ी बिजी अपनी दुनिया में, तो मैं हाँ, ओके। फाइनली एक मीटिंग रखी, वो मेरे घर आई, वो 10 मिनट की मीटिंग होने वाली थी, वो 1 घंटा चलती रही, क्योंकि मैं उनकी बातें सुनती ही रह गई कि एक मुंशी योजना ट्रस्ट क्या काम करती है और इस ये काम का असर क्या होता है, इसकी अहमियत क्या हो रही है, जो बाहर से समझ नहीं आता, आप सिर्फ बच्चों को देखते हैं, मगर ये ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पर जब ये ऐसे पैदा हो या कुछ हो तो
उन्हें बोझ समझा जाता है। भारती जी बताती थी कि ऐसे बच्चों को वो लोग, क्योंकि काम पर जाना पड़ता है, उनके पास ये मीन्स नहीं है, ये पैसे नहीं है कि किसी को उनकी देखभाल के लिए रखे, तो ऐसे बच्चों को लॉक करके घर में चले जाते हैं, क्योंकि रोजी रोटी भी कमानी है, बहुत मजबूरी से आते हैं ये बच्चे। इन्हें ये शुरुआत में खुद अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते, इन्हें एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है कि बस में कैसे जाना है, या पैसे कैसे गिनने हैं, या घर में कोई मदद कैसे की जाती है। ये माँ बाप नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें वो घर, वो खुद काम करें या बच्चों की देखभाल करें या क्या करें, तो ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे जैसे भी हों, चाहे वो ज़्यादा चैलेंज्ड हों या कम, जैसे भी हों, अगर वो मदद के लिए एक ही मुंशी योजना के दरवाजे पर आते हैं तो उन सबको ले लिया जाता है, किसी को भी वो ये ऐसे नहीं कहते कि नहीं आपको हम मदद नहीं कर सकते। और सिर्फ बच्चों की मदद नहीं होती, इसमें परिवार को भी मदद करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें भी समझाना पड़ता है कि कैसे इनको, इनकी देखभाल की, और उनकी भी मानसिक प्रबलता के लिए उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। तो बहुत कुछ, मैं तो मतलब मैं दंग रह गई, मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि ये 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 जो ये काम कर रहे हैं वो कितना कितना गहरा है और कितना सच्चा है और कितनी इसकी ज़रूरत है। तो मैं इनके पहले प्रोग्राम में आ गई कोई 17 साल पहले, और फिर हर साल आती रही, फिर एक बार इनके स्कूल गई, स्कूल मैंने बोला मैं देखो 15 मिनट के लिए आऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 3 घंटे तक वहाँ पर थी, क्योंकि मैं देखती ही रह गई कि किस तरह बच्चों को प्यार से, चाहे वो ABCD लिखना हो या ना लिखना हो, या खाना बनाना, माँ की मदद कैसे कर दें घर में, या फिर बड़े हो जाएं तो थोड़ा सा प्रिंटिंग का काम सिखा दें, ताकि बच्चे कुछ सोसाइटी में आकर कुछ कर पाएं। तो ये इतना सुंदर काम कर रहे थे कि इनसे जुड़कर रहना ही पड़ा मुझे। मैं ये बच्चों का प्यार ज़्यादा है माँ से, मैं तो साल में 2-4 बार जब भी हो सकता है इनका कोई फंक्शन होता है तो मैं चली जाती हूँ, मैं इनकी मदद कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ। एंड सच्ची आई थिंक ये लोग मुझे प्यार बहुत देते हैं, इट्स वेरी स्वीट ऑफ देम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बिकॉज मैं देखती हूँ कि हर साल इनके प्रोग्राम बड़े हो जाते हैं, इनकी अचीवमेंट्स बड़ी हो जाती हैं, किसी को नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में प्राइजेस मिले हैं, सिल्वर गोल्ड, किसी को कला में मिले हैं, किसी को डांसिंग में मिले हैं, इनके ही स्टूडेंट्स को। तो आई फील कह रहे यार ये लोग मतलब कुछ काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, एंड हमारे बच्चे ये सब कर रहे हैं, और सच्ची उनका उनकी कोई कोई तो खूबी देखो तो अगेन यू आर अमेज्ड। क्योंकि एक बच्चा था स्पाइडरमैन, बिना एक पेपर दो उसको, बिना पेंसिल उठाए, एक बार उसने पेंसिल शुरू की पूरा स्पाइडरमैन परफेक्ट बन जाता है। एक दूसरा बच्चा था, आप उसको पूछो भाई मेरा सन 2015 में मेरा बर्थडे 13 नवंबर किस दिन आया, थर्सडे, कैसे पता उसको, पता नहीं, मगर परफेक्ट। आप उसको बोलो गांधी जी इस दिन पैदा हुए थे, उस साल में उनका बर्थडे या उनका जन्मदिन किस दिन पर हुआ, पट बोल देता है। तो बहुत कमाल के ही बच्चे हैं ये, उनकी अलग अलग खूबियाँ हैं। एक है कि वर्ली पेंटिंग इतना कमाल का बनाता था, आई थिंक ही वॉन सम प्राइजेज ऑल्सो। तो ये सब उनमें कला ढूंढना, उसको उभारना, ये सब इनका काम है, और मैं सच्ची आती हूँ थोड़ी बहुत मदद कर लेती हूँ बस। आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड सेलिब्रेशन, आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है बस अगर इनकी कोई मदद कर सके तो प्लीज़ हाथ बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत ही सिंसियर और बहुत ही सच्चाई से काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन्हें हमेशा मदद की ज़रूरत रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो बहुत ही सही लफ्ज़ ढूंढ रही हूँ उसके लिए, बहुत छोटे छोटे घरों से आते हैं, तो इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ हाथ आगे बढ़ाइएगा। वो काम कर रहा है देश के लिए, बहुत अच्छा है। जिस तरह के चिल्ड्रंस की हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये हर समाज के लिए बहुत ज़रूरी है।
कारण ये चीज़ ऐसा नहीं खाली गरीबों में और अमीरों में भी होता है, तो हमारे को उनको ये फीलिंग देना चाहिए दे इक्वल टू अस, उनको ऐसा नहीं शर्म करनी चाहिए कि हमारे में ये कमी है, हमारे को ऑलवेज उनमें उनको मोटिवेट करना है, आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, व्हाट वैल्यू, जो वैल्यू हमारी है वो सेम वैल्यू आपकी है, यू आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी, ऑलवेज वी हैव टू मोटिवेट इन एवरी वे, वी हैव टू, मतलब उनको क्या है कि भाई जैसे खेलों के अंदर उनको मोटिवेट करें, पार्टिसिपेट करें, और वो जब जीते तो हम उनको उनके लिए भी सेलिब्रेशन करें, प्राइजेस रखें, पढ़ने में, काम में, जहाँ भी उनके लिए अपने को काम कराने की जगह तो उनको काम में प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट राइट उनका बनता है दूसरों के कंपेयर में, क्योंकि वो भी सक्षम है, अगर उनको मोटिवेट करेंगे तो वो समाज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और स्वाभिमान से जी सकते हैं। दिस इज़ अवर ड्यूटी, जिनके साथ नेचर ने अच्छा नहीं किया तो हमारा फर्ज बनता है उनको अपन एटलीस्ट अपने से इक्वल तो रखें और वो सबके लिए ब्लेसिंग्स बन जावे, न कि लायबिलिटी। मैं इस योजना से ऑलमोस्ट 3 साल से जुड़ा हुआ। जस्ट यू सी, हम लोग हैं ना, हमारा परिवार बहुत योजनाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे एकल विद्यालय ट्राइबल एरियाज में 81,000 स्कूल चलते हैं, उसका मैं नेशनल पैटर्न हूँ, और जैसे यहाँ पहले एक सपोर्ट ग्रुप था स्ट्रीट चिल्ड्रन, उसको रिहेबिलेट करने के लिए हम बहुत वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। वी नेवर एवर यूज वर्ड इज चैरिटी और डोनेशन, ऑलवेज वी से इज द कंट्रीब्यूशन एंड दिस द अवर, वी आर रीपिंग लोन टू भारत माता। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, जैसे वेल्थ से जो डिसेबल्ड हैं, तो उनको हमारे को अपने से इक्वली समझना चाहिए और इक्वली रेस्पेक्ट देना चाहिए, जिनसे कि उनको ऐसा नहीं हो कि किसी वजह से कुदरत ने उनसे अन्याय किया है, सोसाइटी भी उसको इनकरेज करे, नहीं, वी हैव टू गिव देम प्रायोरिटी इन ईच एंड एवरी सेक्टर। दिस इज माय विश। भाई देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी हेल्प मिलती है एग्जैक्टली आई डोंट नो, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और ये जो चीज़ें फैलती जाएगी, हमारे जैसे लोग इसको फैलाते जाएंगे कि भाई जैसे ये कार्य बढ़ता जावे, कि हम ये देखें कि कोई भी घर में बच्चा नहीं बैठे, किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर वो पार्टिसिपेट करे, तो मतलब वी इट्स अवर ड्यूटी टू कीप देम बिजी एंड लीव विद ऑनर। दिस इज माई मिशन एंड दिस इज माई थिंकिंग। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल of our country, try their best to motivate these kids, think these are part of our family, then they feel very happy.